नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। तो आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौजूदात पर। जम्मू और कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन, गुड गवर्नेंस आया। गुलमर्ग में नौजवानों के लिए स्कीइंग कोर्सेज मुतारिफ। उधमपुर में रेटी से कोठी तक नई सड़क की तामीर। वादी में हुनर से रोजगार तक की स्कीम की अमलावरी। पुंछ में फौज की कोविड-19 के तहत बेदारी मुहिम। जम्मू और कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। मरकजी हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में तमाम महाज पर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। यहां हर शोबे में तब्दीली को एक सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए माशी तौर पर काबिल बनाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि तरक्की के फवायद समाज के तमाम तबकात तक पहुँच सके। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। मरकजी हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में तमाम महाज पर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दीली देखने को मिल रही है। यूटी के हर शोबे में तब्दीली को एक सुनहरी मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए माशी तौर पर काबिल बनाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि तरक्की के फवायद समाज के तमाम तबकात तक पहुँचें। जम्मू कश्मीर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के मकसद के साथ हुकूमत ने वजीर आजम के तरक्याती पैकेज प्रोजेक्टों पर अमल दरामद की रफ्तार को तेज किया है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में भी इसके नुमाया आसार जमीन पर नजर आ रहे हैं। इतना हेल्थ सेक्टर ने काम किया यहाँ पर तो ये 70 साल में नहीं हुआ। ऐसी महामारी की बीमारी हुई कि यहाँ पर बहुत कुछ गवर्नमेंट ने किया है। अब बिजली सेक्टर में ले लीजिए आप, तो कितनी बिजली को इम्प्रूवमेंट किया गया। रोड सेक्टर में ले लीजिए आप, रोड भी गांव लेवल में तो आप देखिए पिछले कहीं बरसों से हम देख रहे हैं, या हमारी सिटी में मैग्नमडाइज हुआ, हॉस्पिटलों को अपग्रेड किया गया, यहाँ बरदला हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया, तो सपोर्ट्स को अपग्रेड किया गया। पिछले कुछ सालों से वादी ने सेहत, ज़राअत, बागबानी, फूलबानी, सियाहत और खेल जैसे शोबों में जबरदस्त तरक्की देखी है। पहले लोगों को बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जमीनी सतह पर तरक्की नजर आ रही है, क्योंकि वादी में सियाहत को फरोग देने के अलावा राबितों को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए मुख्तलिफ सड़कों के मंसूबों से नवाजा गया है। इस तरक्की की रफ्तार का सहरा गुड गवर्नेंस के सर जाता है। ब्लॉक देवस का एक इनिशिएटिव लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, जो कि डीसी साहब खुद हर एक गांव में जाके लोगों के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, इससे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। और साथ साथ में कोविड के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक काम किया था, हर घर राशन पहुँचाने का काम फ्री ऑफ कास्ट किया था, तो ऐसा ही बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे मतलब काम हुए। हॉस्पिटल्स में अभी हम देखिए आप, कोविड का एक हॉस्पिटल बना है यहाँ पे खानमो में, तो ऐसा ही बहुत सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। जनाब, जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली यूटी है जहाँ गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। इसके नतीजे में लोग इंतजामिया की तरफ से बनाई गई पॉलिसियों और तरक्याती मंसूबों को सराहते हैं। सरकारी आदादोशुमार बताते हैं कि अक्टूबर 2021 को खत्म होने वाले अखराजात 34,653 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं, जिसके नतीजे में यहां के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बेहतरी आई है। आदादोशुमार के मुताबिक 21 बड़े मंसूबे काफी हद तक मुकम्मल हो चुके हैं। एक और
अहम कामयाबी में जम्मू कश्मीर ने सौभाग्य स्कीम के तहत हदफ की तारीख से पहले 100% घरेलू बर्ककारी हासिल कर ली है और 357,405 मुस्तफदीन का अहाता किया गया है। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की अगर बात करो तो मैं आपको बताता हूं कि मोर देन 100 बिल्डिंग्स है जिनकी कॉस्ट मोर देन 5 करोड़ थी, जो हमने पिछले 1.5 साल में मुकम्मल की है। लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स के तहत इवन कुछ एक काम थे जो काफ़ी सालों से चले आ रहे थे, उस पर इनसफिशेंट फंड्स था जिससे चलते वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे। 2300 के करीब जो इसमें कुल मिलाकर के काम लिए गए और मोर देन 1700 काम जो है आज मुकम्मल हो गए हैं लैंग्विशिंग के तहत। ये सब चीज़ें जो है वो आपको हो सकता है कि नई चीज़ ना लगे, लेकिन परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो है आपको उससे दिखाई देता है कि इम्प्रूव हो गया है। एम्प्लॉयज़ हमारे अफसर्स मेहनत करते हैं। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करूँ तो यहाँ सालाना 17 लाख मेट्रिक टन के करीब प्रोडक्शन होता है एप्पल का, पिछले साल भी जो है उसको हमने क्रॉस कर चुका है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एप्पल का जो स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट थी वो हम बढ़ा रहे हैं, तकरीबन जो है 1.25 लाख मेट्रिक टन तक का कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी वादी में हो गई है। श्रीनगर और गांधरबल अजला ने तमाम घरानों को 100% फॉल नल के पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं। यूटी ने 15 अगस्त 2022 तक तमाम घरानों को 100% फॉल नल के पानी के कनेक्शन फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग मुल्क का सबसे मशहूर और जदीद स्की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट को वजारत सियाहत ने गुलमर्ग इंटरनेशनल स्की रिजॉर्ट में कायम किया था। ये इंस्टीट्यूट मुल्क भर के नौजवानों को एडवेंचर स्पोर्ट्स में तरबियती कोर्सेज मुतारफ करा चुका है, जबकि नौजवान इन कोर्सेज में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पेश है इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। सियाहती मकाम गुलमर्ग में वाका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के नौजवानों के लिए स्नो स्कीइंग कोर्सेज मुतारिफ कराए। मजकूरा इंस्टीट्यूट जहां नौजवानों को तरबियत फराहम कर रहा है, वहीं वादिये कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने में नुमाया और कलीदी रोल अदा कर रहा है। यहां तरबियत हासिल करने वाले मकामी और गैर मकामी मुहिब एडवेंचर हर तरह की सहूलियात से मुतमईन है। मैं यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट पे ISM में 2020 में जब मेरा वहाँ पे मैंने बेसिक कोर्स से अपनी यहाँ पे शुरुआत की थी। बेसिक कोर्स के बाद इंटरमीडिएट के बाद अभी एडवांस में अभी कर रही हूँ यहाँ पे से। और यहाँ का ISM का फैसिलिटीज, फूडिंग, स्टे और अभी जितना कोविड का इतना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो यहाँ पे पूरा उसका प्रिकॉशंस लेके सब कुछ किया जा रहा है और मैं इस ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग ने कोर्स मुकम्मल किया जिसमें 35 लड़कियों समेत मुल्क भर से 80 तलबा ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कोर्सेज में हिस्सा लेने वाले मकामी खिलाड़ियों ने कहा कि यहां कोर्सेज करने से वो प्रोफेशनल मुहिमजो बन सकते हैं। जी सर, बढ़िया प्लेटफॉर्म में मिल रहा है यहाँ ISM में। सबसे बेस्ट गूगल पे अभी भी आप सर्च करोगे तो सबसे बेस्ट यही है गुलमर्ग में। आई थिंक ऑल ओवर इंडिया में ये बेस्ट है। यहाँ पे प्रॉपर फैकल्टीज मिल रही है, बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं, हाइजीन निक फूड मिल रहा है, ऊपर से स्टाफ भी यहाँ पे बढ़िया है। इंस्टीट्यूट के सरबरा JS ढिल्लन ने कहा कि इंस्टीट्यूट हुकूमत हिंद की सरपरस्ती में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है, जबकि मुख्तलिफ नौइयत के 6 कोर्सेज यहां से कराए जाते हैं। उनका कहना था कि इन कोर्सेज से न सिर्फ प्रोफेशनल्स पैदा हो रहे हैं बल्कि एडवेंचर टूरिज्म को भी फरोग मिल रहा है। These courses are very useful to generate employment. क्योंकि जो भी बच्चा एक कोई भी स्किल सीख लेता है तो वो स्किल के जरिए से अपना रोज़गार पैदा कर सकता है। टूरिज्म सेक्टर में जो बच्चे गाइड बनते हैं, जो इंस्ट्रक्टर बनते हैं, कई बच्चे अपना दे बिकम एंटरप्रेन्योर एंड दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो दे एंटरटेन टूरिस्ट इन डिफरेंट रीजन्स एंड दे अर्न देयर लाइवलीहुड।
And in addition, there are certain adventure activities which are recognized sports, like skiing, jo hai, Olympic sports hai. So bache jo hai, they can pursue it as a sport and can participate in the national and international competitions also. इंस्टीट्यूट को आलमी मैयार का स्कीइंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं, जबकि इंस्टीट्यूट मुल्क के नौजवानों के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जम्मू कश्मीर में मैयारी जमीनी राबते के लिए एक जाम मंसूबे के तहत इकदामात उठाए जा रहे हैं। जारी तरक्याती मंसूबे के तहत सुबह जम्मू के पहाड़ी जिला उधमपुर में नई नई सड़कें तामीर की जा रही हैं। पंचायत रीटी में रीटी से कोठी तक नई सड़क की तामीर का काम जारी है, जबकि मकामी लोगों ने इस तरक्याती मंसूबे पर खुशी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने मरकज के तावुन से मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते में इनकलाबी नौयत के तामीर और तरक्की के मंसूबे हाथ में लिए हैं। इन मंसूबों के तहत जम्मू कश्मीर में हर एक शोबे के बुनियादी ढांचे को वसत दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की हल्का पंचायत रीति में रीती से कोठी तक नई सड़क की तामीर की जा रही है। मकामी लोगों ने इस प्रोजेक्ट की सराहना की। ये हमारा रिटी टू कोठी जो रोड अंडर निवाड़ में बनाया जा रहा है, तो इसका फायदा काफ़ी लोगों को है। कम से कम 2000 लोगों को फायदा होगा इसका। तो मैं विशेषकर जो स्टूडेंट्स बच्चे हमारे नाला क्रॉस करके उनको जाना पड़ता था, अब इस रोड की वजह से वो काफ़ी उनको फायदा हुआ। बच्चों को नाले से पानी से उनका बचाव होगा। तो इस रोड की जो सुविधा है, ये दूसरी पंचायतों को भी, जो हमारी कु पंचायत उसको भी जोड़ेगा ये रोड। ये प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद की तरफ से नबार्ड के तहत मुकम्मल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से इलाके में राबिता सड़क पायदार होगी, जबकि मकामी लोगों को राहत मिलेगी और वो अब आसानी से स्कूलों, अस्पतालों और काम की जगहों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। 2.0 किलोमीटर ये राबिता सड़क 212 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से बराह रास्त 2000 आबादी मुस्तफीद होगी। ये रोड इधर कोठी से लेकर आगे डाहन तक बननी है हमारे लिए, इससे हमें बहुत फायदा है। और ये हमें स्कूल जाने में आसानी होती है। साइकिल लेके पहले बिल्कुल कच्ची थी, कोई मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाती थी हमारी साइकिल, और अभी मैं होता है। इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। सही, इस पक्की रोड से हमें पक्के हो गया है बिल्कुल रोड हमारा। राबिता सड़क आखिरी मरहल्ले में है। सड़क पर मैगडम बिछाया जा रहा है और काम की रफ्तार काफी तेज है। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने तक सड़क पर जारी तामीरी काम मुकम्मल हो चुका होगा। लोगों को रोजमर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने में आसानी होगी। इस गांव का नाम कोठी है, और जहां पे पहले कच्ची सड़क होती थी और तब हमें स्कूल जाने में देर 1 घंटा लग जाता था, और हमारी वर्दी भी गंदी हो जाती थी। अभी पक्की सड़क बन गई है और हमारी वर्दी भी अच्छी रहती है, हमें 1/2 घंटे में पहुंच जाते हैं स्कूल। इससे कबल खस्ताहाल राबिता सड़क की वजह से लोगों को शदीद तरीन मुश्किलातों मसाइल का सामना था, जिनका अजाला इस राबिता सड़क से हो चुका है। जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में हुनर से रोजगार तक स्कीम के तहत मुलाजमत पर मबनी कुकिंग कोर्सेज जोरों पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर में मुलाजमत पर मबनी कुकिंग कोर्सेज मुतारफ कराए गए। इन दिनों तालिबात की खासी तादाद इन कोर्सेज से मुस्तफीद हो रही है। इस सिलसिले में पेश है यह खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर के नौजवानों को रोजगार से हम आहंग करने और ज्यादा से ज्यादा रोजगारी वसाइल पैदा करने के मकसद के तहत हुकूमत ने कई तरह के मंसूबे तरतीब दिए हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत तालीमी इदारों में नौजवानों की खातिर रोजगार पर मबनी कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर में मुलाजमत पर मबनी कोर्सेज नौजवानों के लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं। जी, एक्चुअली ये जो कोर्स है, दिस ऑन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स,
ये इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के थ्रू से करा रहा है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि जो भी बच्चे आजकल घर में बैठे हुए हैं या जिन्हें ऑलरेडी पढ़ाई की है, सो दैट दे कैन ईजिली जो अपना कोई भी नया वाला कोई इनोवेटिव खोल सकता है, कहीं पे भी अपना शॉप खोल सकता है या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है और अपना रोज रोटी कमा सकता है वहाँ पे। इंस्टीट्यूट में मुतारिफ कराए गए कोर्सेज की इल्मी तरबियत का उन्वान हुनर से रोजगार तक स्कीम रखा गया है। इसका मकसद मुतहरक कारोबारी अफराद को खुद मुख्तार बनाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए नए वसाइल पैदा करना है। नौजवान हुकूमती इकदाम की सराहना कर रहे हैं, जबकि तालिबात ऐसे कोर्सेज मुतारिफ कराने पर ज्यादा मुतमईन है। मुझे लगता है कि ये कोर्स सबको करना चाहिए और जितने भी यंग जनरेशन है उनको इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जो कुकिंग है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइक फील्ड है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कल को हम अपना कुछ सेटअप कर सकते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स, स्टार्टअप, एनीथिंग। ये कोर्सेज मरकजी वजारत सियाहत की निगरानी में मुतारिफ कराए गए हैं ताकि बेरोजगार नौजवानों की तकर्रियां यकीनी बन सकें। IHM श्रीनगर में कोर्सेज करने वाले नौजवानों की रहनुमाई और तरबियत कर रहे हैं ताकि वो पेशेवराना तौर पर काम कर सकें। सर बेसिकली अगर हम देखें, हम कुकिंग तो घर पे भी कर सकते हैं खुद से, बट एक चीज होता है कि यहाँ पे आपको प्रोफेशनली सिखाया जाता है, टेक्निक्स आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। और ये जो एक कोर्स है हुनर रोजगार से, इसका जो बेसिक बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ सीख के जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम ये सीख के जाए यहाँ से ताकि हम अपनी आगे फ्यूचर में कुछ अपना कर सके। होटल की सन्नत पूरी दुनिया में एक मुसलसल फरोग पजीर शोबा है। भारत में भी इस सन्नत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हर रोज ज्यादा से ज्यादा तरबियत याफ्ता अफराद की जरूरत पेश आ रही है। इस तरह रोजगार के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कयाम अमन को यकीनी बनाने के साथ साथ फौजियां आम लोगों को आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतलिक बेदारी फैलाने में नुमाया और कलीदी रोल अदा कर रही है। इस सिलसिले में सरहदी जिला पुंछ के दूर दराज कंडी इलाकों में फौज ने मुहलिक बीमारी COVID-19 के तहत बेदारी मुहिम चलाई। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के दूरदराज इलाकों में आलमी वबा COVID-19 से मुतालिक बेदारी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत आम लोगों को वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया गया है। फौज ने ये मुहिम आलमगीर वबा की तीसरी लहर और नए किस्म ओमिक्रॉन के पेश नजर शुरू कर रखी है। कोई मुश्किल बॉर्डर लाइन की पड़ती है, बीमारी हो, गुर्बत हो या दुश्मन की कोई तंगी हो, तो हमारी सेना हर वक्त हमारे साथ रहती है और हमारी हर किस्म की मदद करती है। आज भी इस COVID-19 ने, आज तक हमें पता नहीं था कि भाई ये COVID-19 क्या चीज़ है, ये बीमारी कैसे लगती है। आज हमारे डॉक्टर साहब आए आर्मी के, जिन्होंने हम सब गाँव को, बच्चों को, सबको बुला करके हमें ये तरीका बताया कि आपको कैसे बचना है। मुहिम का बुनियादी मकसद दूर दराज इलाकों के लोगों में COVID-19 वबाई बीमारी को रोकने के हिफाजती इकदामात के बारे में आगाही पैदा करना है। प्रोग्राम के दौरान फौजी डॉक्टर और मकामी तिब्बी अमले के जरिए आम अलामात, एहतियाती तदाबीर और दीगर अमूर के बारे में मालूमाती लेक्चर्स दिए गए। कोरोना मुक्त अवाम बेदारी मुहिम के तहत फौज ने पुंछ में मुनाकिदा बेदारी कैंप के दौरान लोगों में मास्क, सैनिटाइजर और दीगर चीजें भी तकसीम की। फौज के साथ डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट हैं सबको ब्रीफ किया और आज के जो ओमिक्रॉन का जो चल रहा है इसके बारे में बताया, लोगों के अंदर उसकी अवेयरनेस दी, सैनिटाइजर भी तकसीम किए गए और बड़ों और बच्चों को सबको मास्क तकसीम किए गए और उसके साथ साथ हमें बताया गया कि ये वायरस किस तरीके से होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है।
मुहिम के दौरान आम लोगों को ये जानकारी दी गई कि मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को साफ रखना, खासतौर पर अपने हाथों की सफाई करना कोविड इन्फेक्शन से लड़ने का बुनियादी इल्म और तरीका है। कोविड मुनासिब तर्ज अमल की अमल आवरी की जानी चाहिए और कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। वैक्सीन लगने से शदीद इन्फेक्शन का इम्कान कम हो जाता है। देही नुमाइंदों और आम लोगों ने बताया कि वो ऐसे प्रोग्राम के इनाकात पर फौज के शुक्रगुजार हैं। हमें बताया गया कि कोविड 19 की वजह से जो ये महामारी जो है वो फैल रही है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त, इससे किस तरह से हमें जो है वो बचना है, कितनी दूरी रखनी है। उसके अलावा हमें मास्क तकसीम किए गए, आर्मी की तरफ से सैनिटाइजर दिए गए। अलावा अजी मैं ये सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूँ, मैं कमांडर साहब, इसके अलावा इनके सेना को जो है बहुत ही हम ये दिल की उम्मीद गहराइयों से जो है वो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ, हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आई आर्मी ने हमारा साथ दिया। कोविड 19 बेदारी प्रोग्राम में कई देहात के लोगों ने शिरकत की, जिसमें लोगों को खुद और दूसरों को भी इन्फेक्शन से बचने के लिए आगाह किया गया था। नाजरीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर ज़रूर भेज दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के लिए बस इतना ही, आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।